वेलकम टू ITSP। सो दिस इज विवेक। सो टुडे लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ाया था 4 जावा के पार्ट्स में। अगर आपको वीडियो मिली ना मिली जाके देख लो एक बार, है ना। उसमें मैंने बताया था इनर क्लासेस के बारे में भी और लैम्डा एक्सप्रेशन। सो लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे कैसे यूज करते हैं, सारा ही कुछ बता रखा था उसमें। अभी अपन इस क्लास में सिर्फ लैम्डा एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस इनर क्लास के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन चलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लेमडा एक्सप्रेशन को यूज ना करके, इनर क्लास को यूज करके अगर मेथड बनाए, तो मैं चलता हूँ एक बार इसमें अपने फाइल्स पे, ड्राइव पे चलता हूँ। ड्राइव पे चला, पब्लिक 4 जावा, java 8 ऊपर करते हैं इसको। सो मोर ऑप्शन दिस, ओके। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू ही समझा दूंगा मैं, ठीक है। एक बार ये ओपन हो जाए, जैसे रनेबल क्या था अपना फंक्शनल इंटरफेस था, ये कल के एग्जाम्पल थे तो हमने लास्ट वीडियो बनाया था, ठीक है। सेम एग्जाम्पल है आज का भी, ठीक है। अगर हम देखो रनेबल इज द इंटरफेस, रनेबल हमने लैम्डा नहीं करा हुआ है, इसमें लैम्डा यूज करा हुआ है, ठीक है। अब पहले हम इसको विदाउट लैम्डा करें, विदाउट लैम्डा इनर क्लास। तो इनर क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, किसी को पता? तो इनर क्लास को यार कुछ नहीं डिक्लेयर क्या करना है, इनर क्लास को हम सिंपली सिंपल इसको इनर क्लास को जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे कोई क्लास ले लेते हैं हम, कोई मैंने क्लास बनाई जैसे थ्रेड। थ्रेड इज द क्लास इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, थ्रेड, ठीक है। इसके अंदर हम पास कर देंगे न्यू रनेबल, ठीक है। ये बना दिया, अब हम इसके बना देंगे इनर क्लासेस सिंपल, इसको कर देंगे बंद कर्ली ब्रेसेस। ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम इनर क्लासेस ऐसे, ठीक है। समझ आ गया, थ्रेड थर्ड क्लास, इसको एग्जाम्पल के तरह समझते हैं, ठीक है। आगे आईडी पे ज्वाइन लेम थ्रेड, थ्रेड ही इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड, ठीक है। और न्यू रनेबल, ठीक है। आगे अपने आप आ गया सारा, ये आईडी की वजह से आ गया, ठीक है। और हम यहाँ पे सिंपल ये रन मेथड को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि रनेबल हैविंग ओनली वन मेथड कॉल्ड रनेबल। सो इसके अंदर एक कोड लगा दो, एंड आई स्टार्ट विद द जीरो, एंड कितने तक ले जाना हो तुम्हें, जैसे 3 तक ले जाना है तो आई प्लस प्लस करा दो, ठीक है। सो ओपी लिख दो, चाइल्ड चाइल्ड थ्रेड, इसके बाद एक मेन थ्रेड बना देते हैं, मेन थ्रेड फोर, एंड सिंपल यही लूप कॉपी कर लेता है। सी कंट्रोल सी कंट्रोल बी कॉपी करा, ये हो गया मेन थ्रेड। अभी इसको रन करते हैं, ये है अपनी इनर क्लास, ये क्या है अपनी इनर क्लास, ये है अपनी इनर क्लास, कौन सी, ये इतनी अपनी इनर क्लास है, ठीक है। इनर क्लास इसे बोलते हैं इनर क्लास, ठीक है। ये रनेबल इंटरफेस है और ये रन मेथड इंप्लीमेंटेड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये टोटल हो गया, और ये एक मेन मेथड है, मेन थ्रेड है, नॉट अ मेन मेथड, हमने मेन मेथड के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, जब हम लैम्डा यूज करेंगे ना, तो उसमें लेंथ कोड की कम हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कोड एंड ओके, क्योंकि उसमें अनोनिमस चीजें होती हैं, हमें नाम देने की जरूरत नहीं है, रिटर्न टाइप देने की, एक्चुअल मॉडिफाई देने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ गया, ठीक है, उसे हटा देते हैं, ठीक, ग्रेट, ओके, तो अपन फिर करते हैं इसको रन, एक बार रन करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, रन हो जाएगा, मेन थ्रेड, मेन थ्रेड, अभी चाइल्ड थ्रेड को हमने कराई नहीं है स्टार्ट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वी आर फॉरगेटेड, सो व्हाट इज दैट, टी टी डॉट स्टार्ट, टी डॉट स्टार्ट, सिंपल, अब भी चाइल्ड थ्रेड भी स्टार्ट हो जाएगा, चार हो गया, चाइल्ड थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, चार बार है, चार बार ये, चार मतलब फोर, फोर टाइम्स ये प्रिंट हो रहा है, आगे पीछे भी हो सकता है, मेन थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, ठीक है, तो ये हो गया सिंपल अपना, अभी हम इसको रखते हैं, मतलब सी कर लेते हैं अपने इसमें, ठीक है, एक मिनट, रेजर, 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 तो कंट्रोल प्लस करके रेजर को हम बढ़ा सकते हैं बस पॉइंट में, ठीक है, हम पर चूंकि टोटल इतनी बढ़ रही है इसमें, और कंट्रोल जेड करें, हमें हेडिंग नहीं उठानी है यार, इसका यूज नहीं करूंगा मैं, हाँ इसका यूज करना ठीक नहीं है, तो ये हो गया, तो हम इसको भी यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको लिया और ये डाला, पेस्टेड, अरे थोड़ा सा रंग दिखा रहा है बेकार सा, तो इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे इसका, और रंग कलर, कलर वेयर इज द कलर, ब्लैक, ठीक है, ठीक है, ब्लैक सही है, नीचे का कट गया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मिनिमाइज करके इसका साइज बढ़ा लेता है पेंट का, या बस कुछ नहीं करता, कैलिब्रेशन कर देना, ओपन कर देता हूँ, दो एक मेथड का, ठीक है, अब यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन हम यही चीज इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या ही होगा, लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे हमने ये थ्रेड बनाया, थ्रेड बना के रनेबल की जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, समझ गए, तो इफॉर्ट आ जाता है, करली ब्रेसेस लगाते हैं, लैम्डा का साइन, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, और ओवरराइड की जरूरत नहीं क्योंकि रनेबल हमें चाहिए नहीं, थ्रेड क्लास का हम इन बना रहे हैं, ठीक है, थ्रेड क्लास, तो फोर लूप चाहिए हमें, हटा देता है, फोर चाहिए, ओवरराइड की जरूरत नहीं, हटा दे, सिंपल, एरर गॉन, बन गया, हाँ बने रहना, अभी तो एक बेसिक चीज है, इसके बाद बढ़िया चीज है कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर इंस्टांस वेरिएबल बना सकते हैं कि नहीं, इंस्टांस बनाते हैं कि नहीं, और लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, उसके अंदर क्या ही रहता है, क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, सब बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है, तो इसको भी एरर करते हैं, अगर कोई एरर नहीं, सेम चल रहा, ठीक है, तो ये अपना हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए, ये हो गया अपना लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक, इसको करते हैं ब्लैक, ऑल इन ब्लैक कर दिया, ब्लैक बढ़ा देते हैं साइज, फीस का फीस ज्यादा है 16, ठीक है, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, रनेबल इंटरफेस को यूज करके हम इनर क्लास बना रहे थे, बट हम अभी लैम्डा यूज करके बना रहे हैं, ठीक है, ये है फर्क, तो अब आते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पर, तो
तो लैम्डा यूज करने पे सबसे पहले क्या चीज, लैम्डा यूज करा तो कोड की लेंथ रिड्यूस होगी। ठीक है, जब कोड की लेंथ रिड्यूस होगी तो रीडेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज, और ये होता ना, ये लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करके हम कॉम्प्लेक्सिटी, जो इनर क्लास में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना समझने में, उसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लैम्डा यूज कर ते हैं इंस्टेड ऑफ इनर क्लासेस। और दूसरी चीज क्या होती है, हम लैम्डा एक्सप्रेशन प्लेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। कहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन डाल सकते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, ये दो तीन एडवांटेज है इसकी। और सम नोट्स पॉइंट है, लाइक अगर हमें जैसे इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास है, तो हम उसके साथ कंक्रीट क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यही अगर लैम्डा के केस में हो, तो लैम्डा के केस में सिर्फ ओनली ओनली सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मैथड इंटरफेस ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और कुछ नहीं। और कुछ करोगे तो कल मैंने दिखाया हुआ वीडियो में, तो वो एरर देता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, इनर क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं इंस्टांस वेरिएबल। बट इनर क्लास के अंदर हम इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ इंस्टांस वेरिएबल के अंदर सॉरी, इनर क्लास के अंदर इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट हम लोकल, जो कि लैम्डा एक्सप्रेशन होता है ना, उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये है कि इनर, जो इनर इनसाइड एनोनिमस इनर क्लास होती है ना, इनसाइड एनोनिमस, उसके अंदर अगर दिस है, तो वो अपने ऑलवेज करंट क्लास को, करंट क्लास मतलब जो करंट होती है ना इनर क्लास, उसके ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। अगर दिस कीवर्ड है, वो उसके टॉप मोस्ट क्लास को नहीं रेफर करेगा, वो इसको ही रेफर करेगा। तो ठीक है, अगर हम दिस लगा देंगे यहाँ पे, दिस डॉट समथिंग, तो वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, ना कि किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। ठीक, और सेकंड थिंग क्या है, जैसा मैंने बता दिया, लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर आप, इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसके अंदर आप इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट आप इस एनोनिमस इनर क्लास के अंदर इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल अलाउड, बट हियर इज नॉट अलाउड। सबसे पहली बार अगर दिस कीवर्ड इसमें यूज कर रहे हैं, दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम इसमें दिस, तो ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करें, इस वाले क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अगर यहां पे कर रहे हैं हम दिस का यूज, अगर हम लैम्डा में यूज कर रहे हैं दिस का, लैम्डा में यूज करेंगे दिस का, तो ये सिर्फ करंट, जो इसकी करंट आउटर क्लास होगी, जो इसकी, जैसे मैंने ये करा, तो ये करंट आउटर क्लास की कौन सी है, करंट आउटर क्लास ही है टेस्ट, टेस्ट है ना, तो ये टेस्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पर दिस यूज कर दिया, तो ठीक है, ये इनका हो गया का यूज। अब सेकंड चीज चलते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स डाल सकते हैं इसके अंदर। आते हैं, पहले हम कोड करेंगे, तो पहले मैं बना लेता हूँ एक सम इंटरफेस, टेस्ट, इंटर बना देते हैं, कोई दिक्कत, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड दे देते हैं, पब्लिक वाइड 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 एड बना। ठीक है,
ऐड बना दिया हमने स्मूथ प्लेटफॉर्म ऐड बना दिया। ठीक, ऐड बनाने के बाद हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ठीक, क्लास एक और ऐसे चाहिए हमें। अब इसके अंदर एक हम वेरिएबल बनाया, जैसे हमने बनाया ओवरराइड करते हैं पब्लिक, सॉरी पब्लिक वाइड एड, एड पब्लिक वाइड एड टू बनाया हमने, एड टू बना दिया, एड वन एड टू एड वन। ठीक, इसके अंदर एक मेथड बना। अब इस मेथड के अंदर हमने लैम्डा बनाया, लैम्डा इक्वल्स टू, इस लैम्डा के अंदर, इस लैम्डा के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स इक्वल्स टू, लाइक वैल्यू डाल दी उसमें 10। ठीक है, देन इंसर्ट हटाओ, 10 वैल्यू इंसर्ट हटाओ, 10 वैल्यू डाल दी। ठीक, जैसे 10 डाला तो सूची लगाने के बाद हमने प्रिंट कराया एक्स को, प्रिंट करा के देखे और सिस्टम डॉट आउट डॉट दिस डॉट एक्स, दिस डॉट एक्स करेंगे तो दिस डॉट एक्स करने पे, जैसे हमने एक्स क्लास लेवल पे एक वेरिएबल बनाएंगे इंट एक्स इक्वल्स टू 20। ठीक है, बना दिया, बन गया खत्म। अब इसको हम किस टाइप का है बताएंगे तो इंटर 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 आई इक्वल्स राइट, सो कॉल करा दो उस मेथड को आई डॉट एड, सिंपल कॉल करा दिया। अब मेन मेथड के अंदर चलिए, मेन मेथड के अंदर रेफरेंस बनाएंगे, कॉल करा देंगे टेस्ट इक्वल्स टू, ठीक इक्वल्स टू न्यू टेस्ट एंड टी डॉट एम टू, एम एड मेथड आई। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी बताओ कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। मैं बता ही चुका हूं, अगर दिस है जो कि ये दिस है, अगर मैं पेन लेता हूँ, ठीक है, तो अगर ये दिस, देखो ये दिस है, दिस है, इस दिस को ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट क्लास जो जहां पे लैम्डा होगा उसके आउटर क्लास को। इसकी आउटर क्लास क्या है, इसकी आउटर क्लास क्या है, इसकी आउटर क्लास है टेस्ट। ठीक है, इसकी आउटर क्लास है टेस्ट, यही है ना, ये टेस्ट, ये इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये एड मेथड है, एड वन मेथड जो कि इस क्लास में है, तो इसने दिस डॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पहले वीडियो को पोज और फिर बताओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, वो बताना। आई गेस हमने कर लिया हो, गेस चलो एक बार चला के देखते हैं, फिर चेक करो, रेजर्स लगाते हैं इस पर। ठीक है, रेजर लगाई, अब इसको चला के, रेजर हटाई, ये लगाया, इसको चलाया, 10 20, 10 20, देखो मैंने बताया ना 10 आएगा क्योंकि इसमें लोकल वेरिएबल है, इसका लोकल वेरिएबल फर्स्ट, देन दिस डॉट एक्स, ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करता है तो इसलिए इसने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, आ जाएगा। और एक चीज, अगर हमने इसको सपोज 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 वी जस्ट
डिक्लेयर वन एंड ए इक्वल्स टू 30, ठीक है 30 दिया। 30 के बाद अगर हम इसको रीअसाइन करेंगे, तो अगर हम इसको रीअसाइन कर दिया, ए को इक्वल्स टू दे दिया हमने 40, ठीक है दे दिया 40, तो वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये कंपाइल टाइम पे एरर देगा, एरर देगा, ठीक है। वेरिएबल यूज इन लैम्डा एक्सप्रेशन शुड बी इन फाइनल और इफेक्टिवली फाइनल, क्योंकि जो लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो फाइनल होते हैं, कौन से होते हैं फाइनल, उनको आप रीअसाइन नहीं कर सकते, दोबारा से आप उनको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो कंपाइल टाइम एरर रहता है। हाँ लैम्डा के बाहर हो तो अगर मैं ए के बाहर आऊंगा और मैं ए इक्वल टू अगर 40 कर दूंगा तो ये नो इशू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सब, ठीक है। तो ये है इसका टोटल। अब अगर मैं चलाऊं इसको, ठीक है अगर मैं इसको चलाऊं तो यहाँ पे या साउट में डालूं ए, ठीक है ए को प्रिंट कराना मेरे को, ए इज आउट वेरिएबल इन, ओके ओके यूज नहीं कर सकते ना, तो हम प्रिंट भी नहीं करा, अगर प्रिंट कराना है तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आ गया रीअसाइन हो गया, देखो ए प्रिंट हुआ पहले 40, पहले 40 वैल्यू कितनी थी, ए की 30 जैसे, या फिर 40 10 20, सिंपल। तो ये था लैम्डा एक्सप्रेशन विद एनोनिमस इनर क्लासेस एंड, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि थोड़े से डिफरेंसेस बता दूंगा, यही मेन डिफरेंसेस हैं लैम्डा एक्सप्रेशन में और इनर क्लासेस में, और फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा डिफॉल्टिंग। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।